पत्नी ने रखा पति के लिए लंबी उम्र का निर्जला व्रत। पति ने काट दी सांसों की डोर। तोहफा ना लाने पर पत्नी हुई थी नाराज। दोनों में हुआ विवाद। नाराज पति ने कर दी हत्या। 14 माह की पुत्री और 1 माह का पुत्र छोड़ चली गई मृतका। पूरा मामला हमीरपुर जनपद के बीमार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम उमरी का है, जहां पर करवा चौथ वाले दिन पति ने पत्नी की मौत की नींद सुला दिया। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले ही पति पत्नी को ससुराल लेकर गया था। पत्नी ने पति के लिए करवा चौथ व्रत रखा था। पति द्वारा तोहफा ना लाने पर दोनों में अनबन हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि नाराज पति ने पत्नी को कुल्हाड़ी से गर्दन पर कई बार कर दिए, जिससे पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतका का नाम प्रेमा उर्फ भूरी उर्फ पप्पी उम्र 28 वर्ष बताई जा रही है। आरोपी पति तुलसीराम प्रजापति घटना को अंजाम देने के बाद दरवाजे के सामने लगे पेड़ के नीचे बैठ गया। आरोपी की मां ने घर आकर देखा तो खून से लथपथ बहुआ सौ देखकर चीखने लगी। शोर सुनकर आए ग्रामीणों ने डायल 100 पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर कोतवाली पुलिस व क्षेत्राधिकारी मौदहा सौम्या पांडे भी घटना स्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। वहीं मायके पक्ष ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। क्षेत्र अधिकारी सौम्य पांडे ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है, जैसे ही तहरीर प्राप्त होगी कार्रवाई की जाएगी। इस हत्या को लेकर ग्राम में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। प्रधान जी, आपके गांव में जो घटना हुई है, क्या मामला है? दोनों पति पत्नी का आपस में विवाद हुआ तो पति ने पत्नी को मार दिया कुल्हाड़ी से। अच्छा, ये बताते हैं इससे पहले भी कोई घटना हुई थी? इसके पहले इसके बड़े भाई ने अपने पिता को कुल्हाड़ी से ही काट दिया था करवाई चौथ के दिन, 6-7 साल पहले। जो इनके कितने बच्चे हैं? इसके एक लड़का है अभी 1 महीने का और एक लड़की है 1.5-2 साल की। इससे भी पहले कोई विवाद होता था क्या इन लोगों के बीच में? आपस में विवाद होता रहता था। चलिए ठीक। मुझे डायल 100 पर सूचना आई कि उमरी गांव में एक पति ने पत्नी को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दिया। मौके पर पुलिस द्वारा पहुंचकर जब जांच पड़ताल की गई तो तुलसीराम प्रजापति द्वारा अपनी पत्नी भूरी उर्फ प्रेमा देवी को सर पे कुल्हाड़ी से वार किया गया है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस मौके पर है, अग्रिम कार्रवाई है जो की जा रही है। फिलहाल जो मृतका हैं उनके माता पिता को सूचना कर दी गई है, जैसे ही उन्हें कोई तहरीर प्राप्त होती है नियमानुसार मुकदमा पंजीकृत। क्या आरोपी पकड़ा गया? आरोपी इस समय पुलिस पूछताछ कर रही है उससे, क्या उसका उद्देश्य था ये करने का। जैसी तहरीर प्राप्त होगी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर से UP24 न्यूज के लिए जिला संवाददाता जयशंकर त्रिपाठी की रिपोर्ट।